वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप्स आप सब ठीक होंगे। इस समय बज रहे हैं सुबह के 9:15। सो अभी हम आपको, जैसे पता ही है कि अभी तो हम पूजा करके बस जस्ट आ ही रहे हैं। सो अब हम चलते हैं अपनी डेली रूटीन के काम में। सारे काम ख़त्म करके आज तो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अचार की रेसिपी। कल तो आपने देखा ही था कितनी तेज़ से आंधी आई थी, तेज़ी से बारिश हुई थी। सो सारा घर इतना गंदा पड़ा था, आज बहुत टाइम लग गया सारे काम को ख़त्म करने में, झाड़ू करने में, सब करने में। सो इसलिए अब चल रहे हैं फटाफट से, अपना सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे अचार की रेसिपी। ठीक है, हम आ गए सारा काम फिनिश करके। अब चलिए बनाते हैं आम का मीठा अचार। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हम क्या क्या इकट्ठा करके रखे हैं। तो चलिए लेट्स गो। यहाँ पर हमने सारी तैयारी करके रखी है, तो चलिए आप भी देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या तैयारी की है हमारे पास। हमने की है, ये देखिए यहाँ पे लिया है हमने सूखी धनिया, सूखी धनिया, थोड़ी सी मेथी, सूखे लाल मिर्च, और ये मंगरेल। हम लोग तो मंगरेल कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सौंफ, ये ज़ीरा, और ये थोड़े से लहसुन है, देख लीजिए लगभग, अरे होने चाहिए थोड़े, कुछ रहे पता चले। लहसुन कूट के रख लेना है, तेल, हींग, गुड़, और ये आम, ये देखिए जो कल जो है हम लोग सुखा रहे थे, आंधी बारिश तूफान सब आ गया था, तो आज इसको जो है सुखवा चुके हैं। जब तक काम फिनिश किए तब तक आम सूख गया है। तो अब इसको चलते हैं जल्दी से फटाफट से बनाते हैं, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद होता है। और नमक थोड़ा सा लगेगा, नमक भी ये देखिए रख लिया है हमने। तो चलिए सबसे पहले हम अचार के मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हमें गैस पर चढ़ा देनी है एक कढ़ाई। इस कढ़ाई में हमें तेल वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस ऐसे ही गर्म हो जाने दीजिए। और गर्म होने के बाद हमें इसमें डालने हैं ये धनिया। सारी धनिया डालने के बाद इसमें हम और सारे सूखे मसाले सब डाल देंगे इकट्ठे एक साथ। सबसे पहले मेथी डाल देंगे, मंगरेल डाल देंगे, ये देखिए यहाँ पर मैंने सौंफ डाला है, सौंफ डालने के बाद ज़ीरा डाल देंगे, और इसमें लास्ट में डालेंगे सूखे लाल मिर्च। बस सारी चीज़ों को इकट्ठे हमें भून लेना है अच्छे से, जब तक कि इसमें अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू ना आने लगे, थोड़ा सा कलर भी चेंज ना हो जाए, तब तक हमें इसे भूनते रहना है। इसे भूनने में लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे, और ये देखिए हल्की हल्की इसमें खुशबू आने लगी है। मसाला हमारा भून गया है, अब हमें इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं, सारे धनिया को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद हमें इसे पीसना है। तो दोस्तों जब तक ये मसाला ठंडा होता है तब तक हम अगले प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पर सेम कढ़ाई पर हमने डालना है तेल। तेल को डालने के बाद इसे अच्छे से गर्म हो जाने दें। इसके बाद इसमें हमें डालने हैं मेथी, लहसुन और सूखे मिर्चे। सूखा मिर्चा आप सोच रहे होंगे कि मसाले में तो पड़ा ही है, लेकिन हाँ पड़ा ज़रूर है, लेकिन वो मसाला ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा तैयार किया है ये मसाला। आप भी चाहे तो ज़्यादा तैयार करके रख सकते हैं, इससे क्या होता है आप कभी भी कोई भी सब्ज़ी बनाएं, कुछ भी बनाएं डाल सकते हैं। खैर छोड़िए, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमने लहसुन डाल दिया है। लहसुन डालने के बाद इसमें हमें डालना है सूखा मिर्चा। सूखा मिर्चा ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही डालना है, और इसे हमें ज़्यादा जलाना भी नहीं है, बस हल्का सा ब्राउन होने तक इसे हमें थोड़ा सा भूनना है। भूनने के बाद 2 मिनट के लिए भून लेने के बाद चलाते हुए हमें इसमें थोड़ी सी हींग डाल देनी है। हींग टेस्ट में भी अच्छी होती है, और हेल्थ के लिए देखा जाए तो इससे हमारा डाइजेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। वैसे हम लोगों को हींग अक्सर हर चीज़ में डाल देनी चाहिए थोड़ी सी, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। सो यहाँ पर हींग डाल दिया है, अब चला करके इसे 2 मिनट चलाने के बाद इसमें हमें डालना है आम। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सारा आम डाल दे रही हूँ। आम को डाल लेने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसमें थोड़ा सा डालना है 1 छोटे चम्मच से नमक। नमक डाल लेने के बाद अच्छे से इसे चलाते हुए मिक्स कर लेना है, और इसमें डालना है हल्दी। हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है, वैसे हल्दी का कोई टेस्ट तो होता नहीं है, लेकिन हाँ हल्दी से कलर आ जाता है, इस वजह से थोड़े से हल्दी इसमें हमें डालकर और इसे अच्छे से मिक्स करके, जिससे कि सारे नमक और हल्दी हर एक आम पर बढ़िया से लग जाए, और इसे ढक करके 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कर लेना है। यहाँ पर मसाले ठंडे हो गए, इसे हमें पीस लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने मसाला पीस लिया है,
और गाइज़ ये देखिए मौसम भी बहुत तेज़ से ख़राब हो गया है, बारिश होने लगी है। आम फैलाए हुए हैं मैंने काट कर, उसको फटाफट से जल्दी से उठा रहे हैं, लेकिन क्या करें, देखिए भीग जा रहा है। भीगते भीगते ये देखिए हम उसे छोड़कर भागना पड़ा। और ये देखिए यहाँ पर वापस हम आ गए हैं किचन में। किचन में ये देखिए हमारा आम हो चुका है, पक चुका है और ये अच्छे से गल गया है। अब इसे हमें डालना है इसमें गुड़। आम होते होते हमें आम की ही कहने की आदत पड़ गई है। तो दोस्तों इसमें हमें सारे गुड़ को डाल देना है। गुड़ डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करते हुए करना है। इसमें हमें डालना है पानी, लगभग आधा कप पानी, ज़्यादा नहीं पड़ेगा इसमें, जितना कम से कम पानी यूज़ हो। बहुत ज़्यादा पतला नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है, जिससे एक एक आम की कली पे बस गाढ़ा गाढ़ा जूसी ऐसे, मतलब बहुत गाढ़ा नहीं रहना है। कुल मिला के एक कप पानी डालना है, जिससे 5 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर पकाते पकाते ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, ज़्यादा पतला भी ना हो। सो यहाँ पर पानी डाल दिया, थोड़ा सा पानी हमें कम लग रहा है इसलिए हम थोड़ा सा और पानी यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो दोस्तों जब तक ये पकता है तब तक आइए आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। आंगन में देखिए कैसे बारिश भी हो रही है, धूप भी निकली है, पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। ये देखिए, ये देखिए हमारा आम वहाँ पक चुका है, पक चुका है। अब इसमें हम जो मसाला तैयार किए थे इसे डाल देना है। डालने के बाद ये देखिए हमारा अचार तैयार है, एकदम रेडी है। हम इसे देखिए आपको दिखाते हैं अभी। ये खाने में इतना टेस्टी होता है कि इसे बच्चे तो रोटी से ऐसे ही खा लेते हैं, रोटी से, पराठे से। अभी तो लॉकडाउन है, छुट्टियां चल रही है, नहीं तो बच्चे इसे टिफ़िन में भी बहुत पसंद करते हैं, लंच बॉक्स में, छोटे बड़े सबको बहुत पसंद होता है। सो ये देखिए आपको मैं ये दिखाती हूँ, देखिए कितना प्यारा मीठा इंस्टेंट अचार बना है। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई कर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। गाइज़ आपको मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब की बटन नीचे रेड कलर से लिखी है, उसे दबाना ना भूलिएगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। गाइज़ यहाँ पर अपने वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।